पूर्णिया में अपने बचपन के स्कूल पहुंचे यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार। दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा में देश भर में टॉप करने के बाद शुभम कुमार पहली बार जब अपने स्कूल पूर्णिया के विद्या विहार पहुंचे तो वह काफी भावुक हो गए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें। उन्होंने बताया कि किस तरह वह विद्या विहार स्कूल का एक साधारण छात्र से UPSC टॉपर तक का सफर तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि क्लास 6 में उसने यहाँ एडमिशन लिया था। शुरुआत में उनका रैंक काफी पीछे था, लेकिन अपनी जिद और इच्छा शक्ति के बदौलत UPSC टॉपर तक का सफर पूरा किया। बात ही बात में शुभम कुमार भावुक होते हुए छात्रों से कहा कि एक बिहारी 100 पे भारी। लेकिन शुभम कुमार जी पे ये बात भी सूट होती है कि एक बिहारी लाखों पे भारी। उन्होंने कहा कि विद्या विहार स्कूल से 2012 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद वह बोकारो गए, 12th पास किए, फिर IIT कर 2019 में भी उसने UPSC में 290 रैंक लाया था, लेकिन उससे वह संतुष्ट नहीं थे। अपनी जिद और इच्छा शक्ति के बदौलत ही उसने यहाँ तक का सफर तय किया है। आज वह खुद को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके यहाँ तक पहुँचने में उनके माता पिता, चाचा चाची और शिक्षकों का काफी योगदान रहा है। शुभम कुमार जी को इस उपलब्धि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने कटिहार जिले के साथ साथ बिहार का भी नाम रोशन किया। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।